लौटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें अन्य प्रदेशों के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में काम करने वाले कामगार भी शामिल हैं। कोरबा में गरियाबंद के 60 कामगार भी लॉकडाउन के दौरान फंसे रहे, जो बुधवार को गरियाबंद पहुंचे। कोरबा जिले से बस के जरिए 60 से अधिक कामगार युवाओं को गरियाबंद पहुंचाया गया। युवाओं के इस जत्थे में लगभग दर्जन भर युवतियां भी थी, जिन्हें जिला मुख्यालय में इंडोर स्टेडियम में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। बताया गया कि इनमें अधिकांश गरियाबंद जिले के हैं, जबकि कुछ धमतरी जिला और कुछ ओडिशा राज्य के हैं, जो विगत एक साल से कोरबा में एक निजी संस्थान में सेल्समैन के पद पर कार्य कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी हासिल की और उन्हें अपने घर भेजने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और थर्मल स्क्रीनिंग भी की। इस बीच गरियाबंद जिला प्रशासन ने सभी के ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की। बताया गया कि सभी से शपथ पत्र भरवाने के पश्चात 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उन्हें उनके मूल निवास को भेजा गया। मौके पर तहसीलदार राकेश साहू, नायब तहसीलदार कुसुम प्रधान, समीर शर्मा, थाना प्रभारी आर के साहू सहित पालिका एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। इस बीच कोरबा से गरियाबंद अपने जिले में लौट रहे बच्चों को देखने के लिए उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेनन भी जानकारी मिलते ही सभी युवाओं के लिए नाश्ता एवं ठंडा लेकर स्वयं मौके पर पहुंच गए थे। DNX TV के लिए गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी की रिपोर्ट। और कुछ नवरंगपुर उड़ीसा के लड़के हैं जो कि ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोरबा में सेल्समैन की नौकरी करने गए हुए थे, और ये लॉकडाउन के दौरान इनको कंपनी के द्वारा कोई कार्य नहीं दिया जा रहा था, तो कंपनी के माध्यम से ही इनको गरियाबंद छुड़वाया गया है। और यहाँ पे प्रशासन द्वारा इनके लिए खाने की व्यवस्था और इनके जो मूल निवास स्थान है वहाँ तक भेजने की व्यवस्था बस के माध्यम से की जा रही है। सर, आने के बाद क्या प्रशासन ने किस तरह से उनका स्वास्थ्य चेकअप वगैरह? कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई थी और उनको उनका स्वास्थ्य जांच किया है, और उनसे एक शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है कि वो 14 दिन अपने होम क्वारंटाइन में रहेंगे, और कोई भी अगर किसी भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।